हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एज यू नो फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ दैट आज मैं नापतोल का एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ। ऑल दो मैंने यही बोला था कि आई विल नेवर एवर बाय फ्रॉम नापतोल अगेन, बट सम ऑफ माई कलीग्स, वन ऑफ माई कलीग्स हर पेरेंट्स हैव बॉट समथिंग फ्रॉम नापतोल एंड इट वेंट गुड। अब आई डोंट नो कि उनके क्वालिटी इश्यूज़ हैं या वो कहीं और से ये चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं सो दैट उनको क्वालिटी का पता नहीं लगता और दे आर लिटरली फ्रॉड, आई डोंट नो। बट रिसेंटली माई हस्बैंड इज़ अ नापतोल फ्रीक। कुछ भी टीवी पे आ रहा हो नापतोल का एंड ही इज़ देयर टू वॉच एंड मुझे आवाज़ लगा के बोलते हैं कि ये मंगवा लो, ये मंगवा लो, बट आई ऑलवेज से नो। बट रिसेंटली देर वॉज अ वेरी वेरी चीप एंड प्राइस प्रोडक्ट दैट ही सजेस्टेड मी कि आप ये मंगवाओ एंड मंगवा लिया उन्होंने सिंस, बट आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट, बट स्टिल ही ऑर्डर्ड इट एंड इट इज़ हेयर। उन्होंने बोला कि एक बार फिर ट्राई कर लो इफ नापतोल इज़ गुड और बैड। तो ये प्रोडक्ट जो है आ चुका है मेरे पास एंड मैंने इसको ओपन नहीं किया हुआ। It is still packed and I will definitely show you live how the product comes. So live opening is going to happen and I'm little worried, but still this is the pack. You can see isko yahan se open karna hai, but I have it open yet. This will need a scissor and I will definitely open it properly. I even know that ki iski return nahi hai, but still I'm opening it. क्योंकि ये आ चुका है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। एंड फॉर द प्राइस आई विल गिव यू द प्राइस एट द एंड ऑफ द वीडियो विद इन द वीडियो। सो दिस इज व्हाट आई रिसीव्ड। दिस इज एक्चुअली मैं यहाँ पे इसकी सीधी वाली पिक्चर दे दूँगी सिंस आई एम यूजिंग द फ्रंट कैमरा। इट इज़ रॉयल शेफ 13 पीसेस स्नैक एंड स्वीट मेकर। इट इज़ एज सीन ऑन द नापतोल ओरिजिनल का इन्होंने यहाँ पे मार्क दिया हुआ है एंड देयर इज समोसा मेकर, कचौरी मेकर, गुजिया मेकर, रोलर कटर ब्लेड, बिग मोदक लड्डू, स्मॉल मोदक लड्डू, लड्डू मेकर, कटर है इसमें, नूडल्स कटर है जो आजकल शेप स्पायरल शेप चली हुई है जिसमें हम वो नूडल्स बनाते हैं किसी भी सब्जी के, एंड देयर इज स्पायरल कटर, देयर इज बिस्किट मेकर एंड देयर इज शक्कर पारा मेकर, इट इज़ ऑल्सो देयर। तो ये कुछ इस तरह से पैक होके आया है एंड ओरिजिनली इट इज़ ऑफ आई डोंट नो द प्राइस, आई कैन गेस, बट हाँ इट इज़ ऑफ 1000 रुपीज़ लिखा हुआ है ना इसमें, उसका इतने छोटे बॉक्स में आना इज़ नॉट पॉसिबल, बट स्टिल आई एम गोइंग ओपन इट। यहाँ पे उन्होंने सेलो टेप लगाई हुई है, बहुत चीप सी इसकी पैकेजिंग है, बट स्टिल आई एम होपफुल फॉर दिस टाइम। This is how we open it, and this is how it is. It's here, and this is the box. Again, it is falling, and this is the box, and this is the packaging, without any kind of polythene. And this is the spiral for, I guess, noodle maker. कुछ इस तरह से है ये. You can see. This is spiral maker and these are this one is biscuit maker. यहाँ पे biscuit बना सकते हैं. I don't know how will they make. I guess what a good thing. And this is spiral cutter. Plastic है, cheap plastic है इसकी, very cheap plastic. And this is modak maker. I guess ये खुलेगा कुछ इस तरह से खुलेगा एंड दिस विल बी क्लोज्ड लाइक दिस। दिस इज़ मोदक मेकर और एंड देन वी हैव दिस गुजिया मेकर। ये वाला तो जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी था एंड हम नमक वाले बनाते थे जैसे समोसास बनाते हैं ना, तो कुछ इस तरह से ये गुजिया मेकर है। इसके अंदर आप आटा रख के एंड देन यू कैन फिल द फिलिंग एंड इट विल बी गुजिया मेकर। देन दिस इज़ समोसा मेकर। ऑनेस्टली इससे कटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल शार्प एजेस है ही नहीं। इफ़ यू कैन सी, इफ़ आई कैन शो यू, इसके अंदर शार्प एजेस नहीं है। जब इसके अंदर हम कोई चीज़ रखेंगे तो इट वॉन्ट बी कटेड। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई डिज़ास्टर फीलिंग,
दिस इज नॉट मेंशन्ड हियर, आई थिंक दिस इज फॉर द आटा, दिस इज दिस स्पून इज फॉर द आटा एंड दिस इज ऑल्सो अ कुकी मेकर, कुछ इस तरह से ये ओपन हो रहा है, इफ यू कैन सी. एंड देन वी हैव ओनली वन पैकेज दैट इज इन पॉलिथीन एंड दिस इज द कटर, दिस इज द कटर. ये टीन का लग रहा है, नॉट ऑफ स्टील, टीन का लग रहा है. इट इज लुकिंग ऑफ टीन, फीलिंग आ रही है. और इट इज पैची डिजाइन में, बहुत ज्यादा गंदा भी है ये. एंड दिस इज द ओनली पैकेजिंग दैट आई हैव गॉट. आई थिंक दिस इज में है, दिस इज बिस्किट मेकर अगेन आई गेस. आपका इसका डो बना के उसके ऊपर आप इसको रोल करेंगे तो मे बी कुछ बन जाएगा. एंड देन वी हैव दिस, दिस इज रोलर कटर ब्लेड स्मॉल, आई डोंट नो हाउ यू विल यूज इट. एंड कुछ इस तरह से है ये, दिस इज जस्ट लाइक दिस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है रोलर कटर. ये कुछ इस तरह से हम जब डो के ऊपर घुमाएंगे, आई गेस इस तरह से लाइक दिस एंड देन इट विल कट, सर्कल मोशन में कटेगा ये. तो दिस इज द कटर. सिर्फ इसका ये वाला प्लास्टिक है जो दैट इज ऑफ गुड क्वालिटी, बाकी जो भी है दैट इज वेरी चीप, वेरी लाइट वेट. और आई थिंक ये ऑर्गेनिक प्लास्टिक नहीं है, वो कौन सा होता है जो फर्स्ट ग्रेड प्लास्टिक होता है, ये वो नहीं है. इट इज़ जिससे डस्टबिन्स बनती हैं ना, ये वो वाला प्लास्टिक है. आई एम सॉरी नाथोल, यू डिसअपॉइंट मी एवरी टाइम. एंड दीज प्रोडक्ट आर नॉट वर्थ इट. मैं इनका लिंक दे दूँगी इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू चेक इट कि मैंने कहाँ से ख़रीदा था और कैसे ख़रीदा था. एंड दिस इज़ नॉट वर्थ द प्राइस. And I'm sorry, Naptol, you disappointed me again. And I'm not happy with the products. I forgot to mention कि ये क्या चीज़ें मैं आप लोगों को बोल रही थी. But my daughter told me कि ये लड्डू मेकर है. This is a लड्डू मेकर, you can see. कुछ इस तरह से इसके अंदर हम जो आटा होता है लड्डू वाला, वो डाल के हम इसको प्रेस करके हम इसमें से लड्डू बना सकते हैं. This is a good one. But according to me, नॉट वर्थ द प्राइस. मैंने इसके पे किए हैं, इन 13 पीसेस सेट के मैंने पे किए हैं 299 रुपीज़ प्लस 101 डिलीवरी चार्जेस. ऑल दो ये 3-4 दिन में मेरे को प्रोडक्ट मिल गया, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू बाय इट, नॉट टू गो फॉर इट. आप स्क्रीन पे जो मर्जी देखें, बट जब आता है इट इज़ द चीपेस्ट प्लास्टिक दैट यू कैन गेट. आई थिंक ये 40-50 रुपीज़ में भी, 40-50 रुपीज़ भी इसका ज़्यादा होगा, 299 तो बहुत दूर की बात है. एंड आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू हैव इट. एंड नाप्तोल, मेंड योर वेज, अदरवाइज यू विल बी डूम्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ. आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू सून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Bye.